नमस्कार हॉरर फैंस, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे डरावने मिस्ट्रियों में से एक भानगढ़ किले की। राजस्थान में बसा यह प्राचीन किला सिर्फ इतिहास का गवाह नहीं बल्कि अलौकिक घटनाओं का गढ़ भी है। किंवदंती है कि एक तांत्रिक जो वहां की राजकुमारी से बेइंतहा प्यार करता था ने उसके प्यार को ठुकराए जाने पर इस किले पर कर्स दे दिया। इस कर्स के तहत किले में रहने वाला हर इंसान मौत के मुंह में चला गया और उसे पुनर्जन्म लेने का मौका भी नहीं मिला। आज भी कई लोग मानते हैं कि तांत्रिक की आत्मा आज भी उन खंडहरों में भटकती है। जैसे ही सूरज ढलता है स्थानीय लोग बताते हैं कि किला कुछ और ही बन जाता है। उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और भूतिया आकृतियां दिखाई देती हैं। यहां तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी रात में किले में जाने से मना करता है। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या कुछ सच्चाई भी है? कई बहादुर लोग जो रात में किले के अंदर गए हैं वो एक भारी डर, अचानक तापमान में गिरावट या किसी के निगरानी में होने का एहसास महसूस करने की बात करते हैं। कोई हैरानी नहीं कि भानगढ़ को दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में गिना जाता है। तो क्या बात भानगढ़ की कहानी को जिंदा रखती है? क्या वो डरावनी कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, या फिर कोई सच्ची अलौकिक ताकत है जो उन टूटी फूटी दीवारों की रक्षा कर रही है? सच्चाई जो भी हो, भानगढ़ किले का रहस्य जिज्ञासु और साहसी दोनों को अपनी ओर खींचता रहता है। क्या आप रात में वहां जाने की हिम्मत करेंगे? नीचे कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से क्या बात भानगढ़ को अलौकिक गतिविधियों का केंद्र बनाती है। लाइक सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना मत भूलिएगा। दुनिया भर के और भी खौफनाक मिस्टर